डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि वो दलितों के राम बन सकते हैं। दरअसल मोदी बाबा साहब के अस्थि कलश पर पुष्पांजलि अर्पित करने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा गए थे, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि अगर आप न्यायपालिका और निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करवा देते हैं तो आप दलितों के राम बन जाएंगे। डॉक्टर प्रसाद की इस बात पर प्रधानमंत्री खामोशी रहे। उन्होंने खुशी खुशी लोगों की बातें सुनी और ज्ञापन भी लिए। महासभा अध्यक्ष ने मोदी से कहा कि आज पूरे देश के दलितों की निगाहें आप पर हैं। इन्हें उम्मीद है कि आप उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। महासभा को उम्मीद है कि मोदी बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। अंबेडकर महासभा में मोदी ने महात्मा बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाए और महासभा की ओर से पीएम ने दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के आर के सिंह को डॉक्टर अंबेडकर रत्न से सम्मानित किया। महासभा ने डॉक्टर साहब की 3 फुट की प्रतिमा देकर प्रधानमंत्री को सम्मानित किया। मोदी 9 मिनट महासभा परिसर में रहे। उन्होंने परिसर में मौजूद संविधान की मूल प्रति देखी।